हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। डे बाय डे आवाज फटती जा रही है। आवाज इसलिए फटती जा रही है क्योंकि भाई साहब शेड्यूल नहीं रहा कोई भी। शेड्यूल स्केड्यूल जो जरा भी होता है नहीं बिल्कुल भी। एंड मैं अभी भी चैलेंज वैलेंज कर करके 3 बजे उठा। अब नेक्स्ट चैलेंज की बारी है, नेक्स्ट चैलेंज शूट करेंगे एंड बहुत तगड़ा से चैलेंज करना है। और यार वीडियोस कैसी लग रही है कमेंट कर देना। एंड यार मैंने पोल डाली थी पापा के लिए कि इसको पापा के साथ वीडियो चाहिए कर दो। तो इस वीडियो पे अगर तुम 5000 लाइक्स कर देते हो, 5000 लाइक्स तो मैं पहले ही वीडियो ले आऊंगा, नहीं तो 20K सब्सक्राइबर्स में तो डन है। ठीक है, इस वीडियो में 5000 लाइक्स कपड़े रिपीट हो जाए ब्लॉग में तो सॉरी गाइस, क्योंकि मेरे पास कपड़े हैं नहीं। और रही बात उसकी किसकी चैलेंज की तो डिसाइड करते हैं। ठीक है, गुरशीन अभी सो रही है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई, वो छोटी है, उसका भी स्केड्यूल खराब हो जाता है। क्लास क्लोज ले रही थी तो पहले हम पूरा टिच रेडी हो जाते हैं, फिर उसको उठाएंगे और फिर चैलेंज करेंगे। तो मैं टर्बन पहन के मिलता हूँ, क्योंकि फिर तुम्हें पता ही है क्या होता है टर्बन पहन के। आज पग वधिया आ गई यार, मजा आ गया। एंड आउटफिट आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस, बट कोई चक्कर नहीं। एंड वन मोर थिंग, आज का जो डेयर है वो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा सामान लेने जाना है। और गाइस यार डेयर सुट्टो थल्ले यार, प्यारे प्यारे डेयर सुट्टो यार फटाफट। और अब करते हैं मस्ती वस्ती करते हैं थोड़ी सी, आज का दिन पूरा एकदम बढ़िया सा निकालते हैं। थोड़ा पिछले ब्लॉग में थोड़ा मैं रेस्टलेस था, लेकिन इस ब्लॉग में फुल एनर्जी के साथ आने वाले हैं। चीजें जो भी होगा बहुत मस्त होगा, मस्त के अलावा कुछ नहीं होगा। गाइस बात ऐसी है, घर जैसी है, आज भी मेरे को लग रहा है कि घर में ही करना पड़ेगा यार। मतलब यार तुमने बहुत इसका फोन कैसे आ गया गाइस, तुम्हें पता है कौन है? ये है मेरा स्कूल का, मतलब स्कूल में दोस्त। रुको उठाते हैं फिर बताता हूँ। हेलो, मैं बढ़िया बढ़िया, तू बता आज कैसे फोन कर लिया भाई, आज क्या काम पड़ गया? हाँ घर पे ही बस ब्लॉग वगैरह कर रहा। मतलब दरवाजा खोल, दरवाजे भी है, कहाँ से आ गया? ओए क्या हाल है तेरे भाई? तू कहाँ से? ऊपर आ, ऊपर 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 आ। मम्मी कौन आया देखो एक बार। देख रहे हो भाई क्या हाल है? हाथ नहीं मिला रहा भाई, इतने टाइम बाद। अंदर चला जा, रूम देख भाई, तैयार किया है। ब्लॉग वगैरह देखता है? देखता है ब्लॉग? ये दोस्त ऐसे तो दुश्मनी चंगे। बहुत ही बढ़िया। हाँ 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 भाई, मम्मी कितने टाइम बाद मिल रहा है बताओ? भाई साहब 4-5 साल बाद इस लोंडे की हमने शक्ल देखी है। गाइस एक तुम्हें बात बताता हूँ, बढ़िया बात। तुम्हें क्या बोला था? टर्बन आज मैं ये डाल रहा हूँ, दोनों के टर्बन ऑलमोस्ट सेम है। आज गाइस नो चैलेंज, आज भाई साहब ये आया है इसकी रगड़ा लगाएंगे, आज इसके साथ चैलेंज करेंगे। भाई इतने टाइम बाद मिला है, मम्मी बताओ यार। बस हाँ मस्त। आज तो फुल फन, आज तुम्हें अपनी मतलब तुम बोलते थे ना अपने स्कूल के बारे में बताओ कुछ, तो आज करेंगे भाई स्कूल की मेमोरी। भाई टीचर अगर आप में से कोई अगर टीचर आप में से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो सबको हेलो सत श्री अकाल। एंड सभी देखते हैं, किरण मैम, दोन मैम, जीन मैम। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपसे पक्का मिलने आएंगे हम, अगर आप हमें अभी तक याद करते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, याद करवा देंगे। अच्छा क्या किया? कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात तब गुस्सा चढ़ा कि फेयरवेल वाले दिन सब मतलब जो हमारे पिछले साल वाला बैच था उनके टाइम पे सही वो टाइटल वगैरह दे रहे हैं, माय टाइम पे पार्ट जी खड़े प्रसाद ना हो जाओ कल तुम्हारे बट कोई बात नहीं, हमारा कितना 14 साल निकले वहाँ पे ना, 2 साल KG1 KG2। गाइस मोहता सिंह, आज का ब्लॉग मोहता सिंह के नाम। गाइस पूरी वही बात होगी वहाँ से लेके कॉलेज तक की। तो वो बताएंगे बात, रुक जा अभी नहीं पहले आराम से बैठते थे, वो खिलाता मिलाता हूँ भाई। आज बहुत कलोल होने, कलोल कह लो, कमाल कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन आज आप कहते हैं वो डायलॉग है ना मेरा, वो फक हुई पई है, आज कोई फक नहीं हुई भाई, आज सारा कुछ सूदिंग चलूगा। एंड भाई आया यार इतने टाइम, ये तो स्मार्ट हो गया यार, तो स्मार्ट हो गया भाई है ना भाई, स्मार्ट हो गया यार। नहीं सही में गाइस देखो ना, लड़कियां गर्ल्स
यार देखो बात ऐसी है, ये मिला इतना टाइम बाद, तो आपको पता कि चैलेंजेस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो परंपरा तो तोड़नी नहीं है। चैलेंज तो भाई के साथ भी होएगा और बहुत तगड़ा होएगा। और यार देखो आज भाई इतना टाइम बाद आया है, चैलेंज थोड़ा रिवॉर्ड वाला कर लेंगे। अमृतपाल देख चैलेंज ऐसा है, इसमें तो 1000 रुपए तक जीत सकते, ठीक है? मतलब 1000 रुपए कैश दूंगा, असली में दूंगा जोक्स, ठीक है? थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं वो पूरे करेंगे, मतलब ये नहीं है कि वो मेजर चैलेंज है, मस्ती वाले चैलेंजेस करेंगे, ठीक है? इसमें से तो जाके निकल रही है कॉफी में से। जब ये आता है ना मेरे साथ हमेशा उल्टी चीजें ही होती हैं। हिंदी ली थी गाइस हमने, तो 9th में मिले थे, तो हमारे साथ हमारा ग्रुप हुआ करता था अपना, गुरमेहर, राहुल चुटानी, राहुल चुटानी, गुरमेहर, दिलप्रीत, श्रोता, हाँ सरभ ज्योति, सारे यार अब सब अलग अलग हो गए, दीप वगैरह सब, अब सबके कॉलेजेस अलग, इन सबका कॉलेजेस तो सेम, कॉलेजेस कॉलेज तो सेम, मेरा अलग हो गया, बाकी सब अपने अपनी स्ट्रीम में बिजी हो गए। तो उस टाइम के बाद से लेके अब ये आए हैं महाराज। और तुम्हें बात बताता हूँ, ये इतनी बड़ी छुई मुई है ना, इतनी बड़ी छुई मुई, ऐसा तो है नहीं, बात की थोड़ी बहुत तो बात होती थी। इसको मैंने कॉल किया, 2 साल है ना लॉकडाउन के, 2.5 साल इस बंदे ने घर से बाहर पैर ही नहीं रखा। मैंने चलो भाई आज तो मम्मी भी फुल दयावान हो रखी है, जैसे ऐसे तो कुछ नहीं मिलता है ना। ब्रेड पकौड़े गाइस, ब्रेड पकौड़े, ब्रेड, एक जीटी वैटी के सामने अविंद्रा पकौड़े वाला सर है यहां पे भाई, इतना मस्त ये जितनी बार आया है इसको ब्रेड पकौड़े खाने को मिले। हां तो हमने बात का खत्म कर दी सेक्शन चेंज पे, 9th 10th 10th के बाद लेनी होती है स्ट्रीम, ठीक है? हमें डिस्टर्ब कर रहे हो आप, बिल्कुल एकदम बातें चल रही है। ये लंगर लगा हुआ है क्या? नहीं, इसकी प्लेट में रखते हैं ना। 9th 10th तक सेम होता है भाई, इतनी बढ़िया क्लास, एकदम बम क्लास गई है, एकदम बम। उसके बाद हमें 11th में जाना था, हमने बड़े पापड़ बेले, हमने कहा साइंस ले रहा है, चल साइंस लेते हैं, नॉन मेडिकल ले लेते हैं, और 2-3 चीजें और होती थी चूज करने वाली, ये चल ठीक है यही कर लेते हैं। और उसके बावजूद हम गए टीचर के बाद, जो टीचर सेक्शंस बना रही थी ना, हम स्पेशली गए, स्कूल बंद था, दोनों मैम हम दोनों को ना सेम सेक्शन में रख देना। अब पता नहीं मैम ने जान पूछ के किया या क्या, क्योंकि ये होता तो मैम के हाथ में ही है, अब ये तो है नहीं रैंडम सेक्शन बन रहे होते हैं, मैम ने हमें कर दिया अलग अलग। और मैम अगर आज आपने अलग ना किया होता ना, आज ब्लॉगिंग ना कर रहा होता, मैं पढ़ रहा होता, तो मैम ने हमारा सेक्शन चेंज किया था। मैम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं गाइस रो पड़ा था लिटरली भाई, जब हम हॉल में बैठे तो हमें मतलब ऐसा लग रहा था कि मैम से बात होगी तो हम इन्हीं सेक्शन में जाएंगे, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं। बाकी बच्चे भाई जो जितने भी दिन का बाकी उन ग्रुप है वो फिंगर क्रॉस करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई प्लीज यार मेरे दोस्त, पर हमें कोई टेंशन नहीं हुआ, तो बात होगी। हमें ऐसा था कि बात कर ली है, सेक्शन तो चेंज हो गया नहीं, वैसे ही नाम नाम से, तो मेरा सेक्शन ए और इसका सेक्शन बी, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा अरे अच्छा वो बात वहां नहीं खत्म, मैंने ऊपर गए कंप्यूटर लैब में बैठे थे, डिस्कशन चल रही थी, मैं रो पड़ा भाई, मेरी आंखों से आंसू, बड़ी तेज तेज रोया, कहता भाई कोई बात नहीं। और गाइस ये हुआ ना कि क्लास भाई साथ है, ऊपर नीचे, मेरा फ्लोर ऊपर इसका नीचे, भाई साहब टीचर ड्यूटी कॉरिडोर में, टीचर ने बिल्कुल सोच लिया था कि भाई एकदम अलग कर देना, क्या बताए भाई, वो और ऊपर से साइंस ली थी हमने ना दोनों ने, यार हमने तंग बड़ा करा मैम को, लेकिन बहुत तंग का है ये तो मानना पड़ेगा। तो यार एक बात होती है मतलब, अच्छा मैम ने ना मैं कोने में लेके जाके पूछा कि गगन कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है क्या, कि कोई गर्लफ्रेंड है उस क्लास में, क्योंकि इसके लिए तो रोएगा नहीं तू इतना। आप में से भी यार बहुत लोग होंगे जिनके फ्रेंड्स ऐसे होंगे कि स्कूल टाइम पे इतने खास होते होंगे और फिर एकदम से किसी रीजन की वजह से तुम मिल नहीं पाते, घूम नहीं पाते, मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं चाहते, चाहते हो बट नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता, टाइम क्लैश करता है। तो यार आज ये वीडियो सारे उन दोस्तों के लिए, क्योंकि भाई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, मैं अभी चैलेंज करने वाला था, क्योंकि वेरी ऑनेस्ट, सुशीन को उठा के अब उसको भी सोने देते हैं, वो भी रेस्ट करेगी। वाली बता भाई बंदी कैसी है, होनी भी चाहिए। अरे गाइस तुम्हें बताए, हम ना एक बार फेस्ट पे मिले थे सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ये लड़की ले गया फेस्ट पे, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड, मेरे को तो ये भी क्लियर नहीं भाई, ये देख लो स्कूल का दोस्त है, तो ये भी क्लियर नहीं उसकी गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है, और ये छोड़ के ना चला गया, कहता मैं और भाई मैं तो अकेला आया हूँ, मेरा भाई वहाँ पे भंगड़ा कॉम्पिटिशन था। ये इसने क्या किया, मैंने बोला भाई कहता किसके साथ आया, मैंने कहा अकेला, चलो ओके भाई मिलता हूँ फिर, भाई लड़की लेके निकल गया, मेरे को बोलेगा चला साथ चल ले कुछ कर ले, कहता ओके भाई मिलता हूँ फिर, एट द एंड अब मेरे को इतना पता है, आया तो घूम के भाई पास ही, मैंने इसको बोला भी था कि भाई साथ आना, झूठ भाई अगर बोला होता तो पक्का आता, अकेला था भाई कुछ, मैं कहा मेरे कौन सी भाई, मैं तो किसी के साथ जानता नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं, बेस्ट पे गए थे तो वो तो खिंचवा रही थी ना कोई, उसने बोला 2 मिनट के लिए रुक सकता था भाई, उसके बाद लड़की लेके कहता ओके भाई मिलता हूँ तेरे को,
लड़की के आते ही मेरे को भूल गया। गलत भाई, ये बहुत गलत है सीन इसका। लेकिन देख लो भाई, एट द एंड मेरे को इतनी तो खबर है कि लास्ट में बचा कौन, आया भाइयों के पास। गाइस इतनी स्कूल की बातें हो रही थी तो इतने टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद एक्चुअली स्कूल के बाहर आके हम खड़े हो चुके हैं। एंड यार बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी अंदर जाएंगे और सब कुछ होगा, लेकिन अंदर जा नहीं सकते। सुबह आते तो जा सकते थे गाइस अंदर, अभी लेट हो गया। आते आते घर पे आना मस्त है यार, एकदम बढ़िया चीज़ लग रही है, एकदम वाइब आ रही है। क्यों सही में भाई, एकदम मतलब पुराना टाइम सामने आ गया कि यहाँ सारे खड़े होते थे बातें। ये पूरा भरा रहता था गाइस। जितने भी अगर मोहता सिंह वाले व्लॉग देख रहे हो ना, मेरे को ये जगह बड़ी मिस होती है भाई, बहुत याद आती है मेरी, बहुत ज़्यादा। यहाँ खड़े रहना, वैन का वेट करना, सब कुछ एकदम। इधर यहाँ पे बर्गर वाला होता था। हाँ यहाँ पीछे सामने बर्गर वाले रेडी लगा के बैठते थे भाई। हमने सोचा था कि वो पिंग पोंग वाला करेंगे कि ऐसे टप्पा डाल के करना है, लेकिन ये जगह छोटी लग रही है तो अब हम कर रहे हैं ग्लासेस हटा रहे हैं, रोल द बॉल करके, मतलब बॉल रोल करनी है और इन कप्स के अंदर होंगे डेयर। ये जो कप्स यहाँ पे लगे हुए हैं इन कप्स के अंदर डेयर होंगे जिसमें बॉल जाएगी और थोड़े से प्राइजेस भी होंगे, लाइक 1000 रुपए तक के प्राइस हो सकते हैं। तो उसके अंदर हम मनी भी रखेंगे, तो जिसके अंदर बॉल जाएगी वो करना पड़ेगा वो चीज। तो गाइस अच्छा, इसके अंदर मैंने सारी चीजें डाल दी हैं। हमें नहीं पता इसमें क्या डेयर्स हैं। 200 रुपए हैं यहाँ पे, 100 रुपए हैं या 500 रुपए हैं, और बाकी डेयर्स हैं, डेयर्स गुशीन ने डाले हैं। देखते हैं इसमें क्या आता है क्या नहीं आता। चल ये नहीं आया, इसकी बारी पहले। क्या है 500 रुपए? विप क्रीम 500 रुपए मिल गए, लेकिन विप क्रीम वाला, विप क्रीम लाते हैं। गो यू, गुड जॉब। साफ कर सकता हूँ? नहीं, ऐसी बैठना पूरी वीडियो में। लेमन लेमन है गाइस, पूरा स्क्वीज करना है। ओ भाई कुछ तो आएगा। अब क्या हो गया? कॉफी शॉट। अरे थोड़ा यार, यार इसका पटियाला बना दो। पटियाला नहीं बनेगा। कंप्लीट। मेरे ब्लॉग में मेरी ऐसी ऐसी हो गई है, तो अब सिर्फ एक ही बचा मेरे हिसाब से 100। तो अब ये जैसे नया नया आया, इससे मैं एक चीज पूछूंगा भाई, तू अभी 200 जीता ना, है ऑल या नथिंग। तू 200 अपने दांव पे लगा, 500 भी इसमें डलेंगे और तेरे 200 भी इसमें डलेंगे। अगर चली गई 3 बारी में तो ये सारे तेरे, नहीं गई तो ये भी नहीं। करना चाहेगा? नहीं। चल चलो ठीक है गाइस, फर्स्ट टाइम आया तो इसको एक और चांस देते हैं। मैं अपने 500 लगा रहा हूँ दांव पे। ये गए अंदर भाई, इसके अंदर 100 है और 500 है, ठीक है? कितनी बारी में डाल देंगे? जितनी बारी तुम लगेगा ना उतनी तरह देंगे। दो बारी में गाइस, 2 बारी दी जाएगी सिर्फ, और देखते हैं अब जाते हैं कि नहीं जाता। स्कूल के यार, आप जिसको याद आती है ना अपने स्कूल के दोस्तों की, भाई उनको ये वीडियो शेयर कर देना। एंड
जाके मिलो यार, फोन करो अभी, दो मिनट निकाल के अपने दोस्तों को फोन कर लो, उनको बढ़िया लगेगा जैसे आज मेरे को लगा ही आया। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मोहता सिंह वाले जितने भी देख रहे हैं यार सबको लव यू है। ओके गाइस, तो इसी के साथ अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ इसी के साथ साइन आउट।